हाउ आर यू, कैसे हैं आप सभी? कल अच्छा मैंने बताओ, मैंने कल जनरल रिएक्शन बता दी थी क्या कि जनरल रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखोगे? बता दी थी क्या मैंने? बता दी थी क्या बच्चों? ओके चलिए, तो अब करेंगे हम फैक्टर्स अफेक्टिंग अफेक्टिंग फैक्टर्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। मैं ही पूछती चली जाती हूँ आपसे, आप ही बताते चलना। देखो कुछ चीजें आपके नोट्स में नहीं लिखी हुई हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। जो चीजें नहीं लिखी हुई हैं वो लिखते चल लिएगा मेरे साथ। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, देखो अगला टॉपिक है मेरा फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए वो तो इसमें लिख नहीं रहे हैं। फर्स्ट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेल मी व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर जो है वो किस प्रकार से रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा? देखो भाई, ये मेरा कंटेनर है, क्योंकि कंटेनर मेरा फेवरेट होता है ध्यान रखना, तो इसलिए चीजों को समझना मैं हमेशा से कंटेनर बना के ही समझाती हूँ। यहां पे मानो कोई रिएक्टेंट्स हैं, ये अपनी खुद की वेलोसिटी से कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, अप टू डाउन, डाउन टू अप, इधर से इधर, इधर से मतलब हेयर टू देयर, मतलब हर तरीके से क्या कर रहे हैं कि मूव कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग। अब देखना, आपने मानो यहां नीचे से लगा दिया बर्नर, आपने जैसे ही, हाँ देखो आपने जैसे ही यहां से बर्नर लगाया, इसका मतलब आप टेम्परेचर दे रहे हो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को, मतलब मॉलिक्यूल्स को आप दे रहे हो टेम्परेचर। जैसे ही आप टेम्परेचर दे रहे हो, तो आपने कभी चाय बनाई होगी, कभी दूध उबाला होगा, आपने देखा होगा कि वो एकदम से जब आप बिल्कुल सिम सिम गैस पर क्या करते हो, सिम जो जो उसकी सिम फ्लेम होती है उस पर आप आराम से चाय बना रहे हो, तो आप देखते हो धीरे एकदम से उबलने लगती है चाय। ऊपर नहीं जाती, मैं उसकी बात नहीं कर रही, ऊपर की तरफ नहीं जा रही, केवल और केवल उसी कंटेनर के अंदर आपकी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूसली मॉलिक्यूल आपको ऐसे मूव करते हुए शो होंगे। ठीक है, यानी कि आपने यहां से टेम्परेचर इसको दिया, जैसे ही आपने इस बर्नर के टेम्परेचर इसको गया, ये जो हैं रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कॉन्टिन्यूसली मोर देन वेलोसिटी से एक दूसरे के साथ कॉलिजन करेंगे। ये इससे टकराएगा, इससे कॉलिजन होगा, इससे कॉलिजन, कॉन्टिन्यूसली कॉलिजन होगा। अगर ये कॉलिजन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि टेम्परेचर के रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू गिव द टेम्परेचर टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज अकॉर्डिंग द टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर किस फ्लो में बढ़ता है उसके बारे में मैं बता रही हूं, दैट्स कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशियंट। ऑलवेज रिमेंबर, टेम्परेचर कोफिशियंट, व्हेन यू गिव द टेम्परेचर
10 डिग्री सेल्सियस टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीज 2 to 3 समझना, एग्जाम्पल से समझना। मानो लेट बी नो कि दैट हेयर अ कंटेनर, इन दिस कंटेनर वी हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। टेन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वी विल गिव इन टू द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। इमेजिन 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मैंने इसको दे दिया रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को। जैसे ही मैंने इसको 10 डिग्री सेल्सियस रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को टेम्परेचर दिया, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इंक्रीजेस दो से तीन गुना बढ़ जाता है। मल्टीप्लाई में कहते हैं ना, जैसे देखो माना यहां पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, समझना मेरी बात अब अच्छे से। ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इसमें कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। आपने इसको टेम्परेचर दिया, जैसे ही आपने इसको टेम्परेचर दिया तो आप देखना आपने कितना टेम्परेचर दिया। माना इसका अभी लेट बी इमेजिन दैट 0 degree Celsius टेम्परेचर, आपने 0 से 10 degree Celsius बढ़ाया। मानो यहां अभी यहां पे कोई भी रिएक्टेंट जो है वो आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट कोई भी नहीं बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही आपने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाया, 10 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज किया, तो अब जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 या 3 गुना के हिसाब से बढ़ जाती है। समझे या नहीं? That's called is क्या? अगर सोचो फिर वापस आपने 10 डिग्री सेल्सियस और दिया, यानी कि अब टेम्परेचर कितना कर दिया आपने इसका 20 डिग्री सेल्सियस, तो मानो अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपकी, समझना, अगर रेट ऑफ रिएक्शन आपकी 10 मोल पर सेकंड है, 10 मोल पर सेकंड, तो अब 2 से 3 गुना बढ़ने के बाद मतलब क्या हो गई, 10 into 2 20 मोल पर सेकंड। वापस आपने 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस वापस इंक्रीज किया, 10 डिग्री सेल्सियस वापस इंक्रीज किया, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन कितनी हो गई, 40 मोल पर सेकंड। समझे या नहीं समझे? दैट्स कॉल्ड इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। दिस थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये ध्यान रखना, ये बहुत पूछी जाती है पेपर में। समझे या नहीं? बस एनी डाउट? बस इतना ध्यान रखो कि मैंने स्टार्टिंग में कोई टेम्परेचर नहीं दिया, 10 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर उसका इंक्रीज किया, तो रेट ऑफ रिएक्शन दुगनी हो जाएगी या तिगुनी हो जाएगी। दुगनी का मतलब समझ रहे हो? समझे या नहीं समझे? हाँ या ना में जवाब दो। अरे 2 का मल्टीप्लाई और 3 का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन, इन द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 और 3, टेल मी। This is the first factor which is affecting to the rate of reaction. When you will increase the temperature, then the rate of reaction will increase. When we give the temperature 10 degree Celsius per 10 degree Celsius to a reactant molecule, then the rate of reaction will be increased in the multiplier of 2 or 3. लेट्स गो। एनी डाउट? अरे भाई बोला करो, किसने जवाब दिया था ये? रेडमी वाई 2 आ गया कि नहीं आया समझ में, ये बताओ। चलू आगे फिर? अरे बोला, ये गलत बात है भाई आप लोगों की, दिस इज अ रॉन्ग, ये दिया नहीं हुआ है। ओके लेट्स गो। सेकेंड फैक्टर विच इज अफेक्टिंग
ये दिया नहीं हुआ ध्यान रखना, मैं फिर कह रही हूं ये आपके में दिया नहीं हुआ है, नोट्स में कर लेना इन्हें, इफेक्ट ऑफ कैटलाइज्ड। टेल मी व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ कैटलाइज्ड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज डिफाइन द व्हाट इज कैटलाइज्ड। टेल मी, हाँ वेरी गुड, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अ सब्सटेंस, समझना, अ सब्सटेंस दैट मेक्स अ केमिकल, देखो भाई, अ सब्सटेंस, ये नहीं आपके, नहीं है आपके नोट्स में, ठीक है ना, आपको जो नोट्स मुझे पता है मेरे पास हैं, जो मेरे पास हैं वो आपको ही मिलेंगे। हाँ, स्वीप अप ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ए सब्सटेंस that makes a chemical reaction, that makes a chemical reaction, that makes a chemical reaction happens faster, जो reaction को fast बनाती है, happens faster। और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी ज्यादा है, ये मोर देन इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जैसा है वैसा की वैसा रिएक्शन से बाहर निकल जाता है। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मैं देखो कुछ ऐसा है, मानो कि दिस इज माय एंजाइम, एंजाइम छोड़ो, दिस इज माय सब्सटेंस, मैंने जैसे इसमें कोई कैटलाइज्ड इसमें मिक्स किया, तो ये सब्सटेंस जो है उसको तो ये प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, बट जो कैटलाइज्ड है वो एग्जैक्टली इसके बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, ना तो ये लेस करेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि हाँ भाई इसका वेट कम हो जाएगा, इसकी लंबाई घट जाएगी, इसकी लेंथ घट जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ध्यान समझना, ए सब्सटेंस दैट मेक्स अ केमिकल रिएक्शन happens faster। अब देखना भाई होगा क्या, अब ये तो चीजें आप पढ़ते आए हो, ये तो कंफर्म पता है कि जैसे ही आप कैटलाइज किसी में मिक्स करोगे किसी रिएक्टेंट के अंदर, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, बट कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, बातों में नहीं कहिए, किसी भी चीज को आप अच्छे से बताओ कि भाई ये क्यों होगा, हर चीज का आंसर होना चाहिए कि ये क्यों होगा। देखो होता क्या है, एक ग्राफ बनाना सीखेंगे हम जब हम आगे चलेंगे, इट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, एंड इट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखना भाई, कैटलाइज क्या रोल प्ले करते हैं अपना रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने में। अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड किया। देखना भाई, इस जगह से आपने, मैंने देखा हियर इज अ लेस पोटेंशियल एनर्जी। देखो भाई ये वाला पॉइंट क्या डिफाइन कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा लेस है, समझ लो बहुत ज्यादा कम है इस जगह पे। देखो भाई, यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी, या मैं ये कहूँ कि जो एनर्जी कम रखते होंगे, लेस रखते होंगे, वो मॉलिक्यूल सारे कहाँ पाए जाएंगे, नीचे की साइड पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे, सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो हैं स्टार्टिंग में रिएक्शन करने से पहले यहाँ पे पाए जाते हैं इस जगह पे। सबसे ज्यादा रिएक्टेंट के मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो सबसे ज्यादा इस जगह होती है, समझना। होगा क्या,
यहां पे बहुत सारे रिएक्टेंट पड़े हुए हैं, समझना। अब देखना, हाँ एक्टिवेशन एनर्जी, सही बात बता रहे हो आप। देखो ये जो पाथ है, ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी। देखो दे मॉलिक्यूल्स हु अकर्स द एनर्जी, या तो वो इक्वल एनर्जी हो इस एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल हो, या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी, मोर एनर्जी रखेंगे, दैट मॉलिक्यूल विल मेक अ प्रोडक्ट। समझ गए? यानी कि केवल वे ही मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होंगे जो या तो एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी रखते होंगे, या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी, मोर देन एक्टिवेशन एनर्जी और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। दे मॉलिक्यूल हु अकर्स लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी, देन दे विल नेवर मेक्स अ प्रोडक्ट। वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनाते जो एक्टिवेशन एनर्जी से कम एनर्जी रखते हैं। कैटालाइज क्या रोल प्ले करते हैं, समझना। देखो मेरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल यहां हैं, इनको एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी को अकर करके कहां जाएंगे, इस बैरियर पर चले जाएंगे। ये जो पॉइंट होता है ये कहलाता है बैरियर, इस जगह पे बनता है एक्टिव कॉम्प्लेक्स। माई इंग्लिश इज टेरिफिक। देखना होगा क्या, यहां पे आपको मिलेगा एक्टिव कॉम्प्लेक्स। दिस एक्टिव कॉम्प्लेक्स हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बोथ। होगा क्या कि इस जगह पे स्टार वाली पोजीशन मिलेगी, स्टार वाली पोजीशन एनर्जी को लेकर कहां प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। चेंज किसमें होगी, प्रोडक्ट के अंदर। देखना होगा क्या कि मानो मेरे यहां पे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं जो कैटलाइज्ड होते हैं, वो एक ऑप्शनल पाथ का, कैटलाइज सिर्फ इतना करते हैं कि वो इस पाथ को छोटा कर देते हैं, स्मॉल पाथ। देन क्या होगा कि जो एनर्जी होगी वो कम देनी पड़ेगी। किसको? एनर्जी, वी विल लेस एनर्जी देन द दिस पाथ। तो क्या होगा, मेरे रिएक्टेंट जो होंगे वो मोर देन रिएक्टेंट विल बी चेंज इन प्रोडक्ट। समझ गए कि नहीं समझे? टेल मी, कौन है ये? समझ गए क्या? बिल वाला। हाँ भाई बोलो। बस कैटलाइज क्या करते हैं, जो रिएक्शन जो पाथ है उसको स्मॉल बनाने का कार्य करते हैं, स्मॉल बनाने का वर्क करते हैं। जो ये पाथ जो है एक्टिवेशन एनर्जी को लेस करने का काम करते हैं, और एक्टिवेशन एनर्जी जब लेस हो जाएगी देन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, मोर देन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल विल मेक अ प्रोडक्ट। क्या बनाते हैं, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। ये तो था इफेक्ट ऑफ कैटलाइज। ऑलवेज रिमेंबर कैटलाइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ कंपाउंड ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट पढ़ा था हमने टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है आपका नेक्स्ट जो फैक्टर है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टेल मी व्हाट विल बी इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। हाँ
बताओ भाई। हाँ, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। देखो भाई, वी नो दैट द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, इफ द कंसंट्रेशन विल बी हाई देन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी हाई। नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स विल बी हाई देन द कॉलिजन ऑफ रिएक्टेंट्स will be high, then the rate of reaction will be high. समझे? अरे भाई, obvious सी बात है, concentration means number of molecules will be high. मैंने कल भी कहा था आपसे, laboratory के अंदर आपने यहाँ पे ऐसे करके दो bottle देखी होंगी जिसमें ऐसे लिखा हुआ देखा होगा, एक पे लिखा रहता है concentration HCl, एक पर लिखा रहता है डाइल्यूट HCl. इट इज मोर डेंजरस देन इट बिकॉज हेयर इज HCl मॉलिक्यूल विल बी हाई। इसमें क्या है, इसमें तो ये है कि HCl मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा है और वॉटर जो है वो कम है, और इसमें क्या है, HCl मॉलिक्यूल जो है वो है कम और वॉटर है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज मोर देन एसिडिक देन, जहां पे HCl के मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे वहां पे रिएक्टेंट ऑफ मॉलिक्यूल विल बी हाई, और अगर ये भी हाई होंगे तो ऑब्वियसली बात है कॉलिजन ऑफ रिएक्टेंट विल बी हाई, देन रेट ऑफ रिएक्शन विल बी हाई, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये तो था तीसरा फैक्टर, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कैटलाइज्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बताइए भाई, अगला जो है नेक्स्ट, इसमें से देखो कुछ अलग हो तो, हाँ, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट्स की नेचर किस प्रकार इफेक्ट करेगी, हाउ विल बी इफेक्ट अच्छा बताओ, रिएक्टेंट जितना कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लिकेटेड मीन कुछ ऐसा, एक रिएक्टेंट कुछ ऐसा है, एक रिएक्टेंट कुछ ऐसा है, इन दोनों रिएक्टेंट्स में से रेट ऑफ रिएक्शन किसकी ज्यादा होगी बताओ। देखो, when reactant molecule commit the ionic bond, when reactant molecule commit the ionic bond, then they will easily break in the solvent। Obviously बात है, आयनिक बॉन्ड मीन्स क्या है,
आयनिक बॉन्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू एटम्स विल हाई देन द बैलेंस बॉन्ड। देखो बैलेंस बॉन्ड कब कमिट होता है, बैलेंस बॉन्ड तब कमिट होता है जब एक मॉलिक्यूल के दो एटम्स के बीच, बिटवीन टू एटम्स इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो इक्वल रहना चाहिए, समझ गया। और जबकि अगर मैं बात करूं NaCl जैसे कंपाउंड्स की, ये जो क्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मोर देन सोडियम, ये जो कंपाउंड है विल बी इजीली डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, इट इज अ सिग्मा बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन इज द सेम टू द बोथ हाइड्रोजन एटम्स, दोनों हाइड्रोजन एटम्स के बीच में जो इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन है वो इक्वल है। अगर इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन इक्वल है यानी कि दोनों अपने पास इक्वल वेट रखते हैं, अगर इक्वल वेट रखते हैं तो सेम डिस्टेंस पर दोनों लोकेटेड है, और दोनों अगर सेम डिस्टेंस पर सिचुएटेड हैं तो क्या होगा, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होगा वो बहुत ज्यादा एनर्जी रखता हुआ होगा, और अगर एनर्जी ज्यादा रखेगा तो इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। इसमें क्या होता है, इस क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होने की वजह से ये 7 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, इसको अपना ऑक्टेंट पूरा करने के लिए ओनली एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, और वो एक इलेक्ट्रॉन इस सोडियम से खींच लेता है, और आसानी से जब इसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो क्लोरीन आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर देन रिएक्टेंट विल बी कॉम्प्लिकेटेड, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लो, एंड इफ यानी कि आयनिक बॉन्ड जो रखते होंगे कंपाउंड्स उनकी रेट ऑफ रिएक्शन मोर देन इंक्रीज मोर देन दे कंपाउंड हु कमिट द बैलेंस बॉन्ड, समझ गए। यानी कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट बस इतना है कि कॉम्प्लिकेटेड रिएक्टेंट जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही कम होगी, और जितना ज्यादा इजी बॉन्ड बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि देखो बॉन्ड एक तो फॉर्मेशन होती है और एक ब्रेकिंग होती है, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में बना हुआ बॉन्ड कॉम्प्लिकेटेड होगा तो उसे ब्रेक करने के लिए एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा देनी पड़ जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लेस। और जबकि अगर मैं ये कहूँ कि अगर बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा इजीली ब्रेक होने वाला होगा तो आसानी से ब्रेक हो जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना रेट ऑफ रिएक्टेंट जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं वो हमेशा उनकी रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा ज्यादा होगी बजाय किसके जो कि क्या रखते होंगे बैलेंस बॉन्ड फॉर्म करते होंगे। ये था आपका नेचर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, रिजॉइन करो एक बार।